नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ईशानी वर्मा। सुपौल पुलिस अधीक्षक शैशव यादव ने गुरुवार को राघोपुर थाना में प्रेस वार्ता कर बताया कि विगत 14 मई को राघोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगता टोला के पास संजय कुमार साह एवं दिलीप यादव दोनों फकीराना स्थित निर्माणाधीन राइस मिल गोदाम से वापस अपने घर सिमराही लौट रहे थे। इसी क्रम में पल्सर मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात अपराधी कर्मियों के द्वारा दोनों को निशाना बनाकर गोलीबारी किया गया था। गोलीबारी के क्रम में घटनास्थल पर ही दिलीप यादव की मृत्यु हो गई थी और चावल व्यवसायी संजय कुमार साह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। अपराधी कर्मियों के द्वारा गोली मारने के बाद संजय कुमार साह का एक सोना का चेन एवं अंगूठी छीन लिया गया था, जिसके बाद इस संदर्भ में राघोपुर में केस दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जिले के पुलिस प्रशासन ने इस कार्य का वैज्ञानिक तरीके से गहन जांच कर गोलीकांड में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटनाक्रम के उद्भेदन के बाद क्षेत्र के लोग राहत महसूस कर रहे हैं। आकाशवाणी न्यूज के लिए सुपौल राघोपुर से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 14/5/23 को एक घटना घटी थी, जिसमें अपराधकर्मियों ने राइस मिल मालिक संजय कुमार साह और उसके मुंशी दिलीप यादव पर गोली चलाया था। इस घटना में दिलीप यादव की मृत्यु हो गई थी और राइस मिल मालिक संजय कुमार साह गंभीर रूप से जख्मी हुआ था, उसे भी गोली लगी थी। घटना घटने के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया और कांड का अनुसंधान किया गया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विश्लेषण से कुछ साक्ष्य एकत्र हुए, उस आधार पर अनुसंधान करते हुए जो भी सस्पेक्ट थे उसको उठाया गया। अमित कुमार नाम का व्यक्ति जिसे पूछताछ किया गया, उसने घटना के बारे में विस्तार से बताया और घटना में जितने भी संलिप्त अपराधकर्मी थे सभी के बारे में बताया और बारी बारी से सभी को गिरफ्तार किया गया है। और घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा भी रुपेश कुमार के पास से रिकवर किया गया है और अभी एक अपराधकर्मी की गिरफ्तारी शेष है। इस पर जो 5 अपराधकर्मी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं वो पप्पू कुमार मेहता हैं, विकास कुमार, रुपेश कुमार मेहता, अमित कुमार, जितेंद्र कुमार, इनकी गिरफ्तारी हुई है और अग्रसर अनुसंधान जारी है, इसमें छापामारी अभी चल रही है। ये ब्लाइंड केस था, जिस समय घटना घटी थी उस समय कुछ साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अनुसंधान के क्रम में यह प्रकाश में आया कि जो राइस मिल मालिक थे, अपराधियों को सूचना थी कि वो 5 लाख रुपये लेके जा रहे हैं और उसी को घटना को अंजाम दूसरे के ख्याल से ये सब घटना को अंजाम दिया है। यह भी बात प्रकाश में आया है कि ये लोग घटना का देखी भी किए थे, घटना से पहले भी एक बार प्रयास किए थे लेकिन इसमें सफल न हो पाए। तो घटना के दिन जो जानकारी थी इन लोगों के पास कि 500 रुपये लेके वो जा रहे हैं राइस में, उसे लूटने के ख्याल से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। साईं हॉस्पिटल चुन्नी छातापुर वार्ड नंबर 1 सुपौल, मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778। भास्कर आई केयर सेंटर हॉस्पिटल चौक विराटनगर, हमारे यहाँ आँख संबंधित सभी प्रकार का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है और काला मोतियाबिंद का सफल इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर झा जी के द्वारा किया जाता है। हमें संपर्क करें 9801325172 और 00977982079956 पर।